हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश कोर का जो आप लोगों का नोटिस सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 3 टॉप इंपॉर्टेंट नोटिस। देखिए, नोटिस सेक्शन से है ना, याद रखिएगा, आपका एग्जाम पैटर्न कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, अभी तो एक बार चेंज हुआ है ना, अब हजारों बार चेंज होगी ना, तो याद रखिएगा इंग्लिश कोर का 3 पैटर्न फिक्स होती है। पहला लेटर सेक्शन, दूसरा आर्टिकल सेक्शन, तीसरा नोटिस सेक्शन। और इस बार आप लोगों को नोटिस सेक्शन पे ओनली 4 आपको मार्क्स मिलने वाला है। 3 कितने मार्क्स मिलेगी, ओनली 4 आपको मार्क्स मिलेगा 3, चाहे वो आप रिपोर्ट सेक्शन लिखिए चाहे वो लेटर सेक्शन लिखिए, पर कोई बात नहीं है। अगर तीनों क्वेश्चन को हम लोग सही ढंग से लिखते हैं, सही स्ट्रक्चर के साथ, सही बॉडी के साथ लिखते हैं, तो हम लोगों को 9 मार्क्स मिल जाएगी, इस गारंटी है। अगर आप नहीं कर रहे, अगर मान लेते हैं कि आप एग्जाम देने के लिए गए हैं और इन तीनों क्वेश्चन को छोड़कर आ गए हैं, तो आपका 9 मार्क्स कट जाएगी। तो मेरा कहने का कुल मिलाकर मकसद यही है कि एक एक मार्क्स को ना आप लोग इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो 9 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है, एक एक मार्क्स को एक कलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जाकर आप लोगों का 90+ मार्क्स इजीली से आ जाएगी। तो चलिए, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा नोटिस सेक्शन में बता रहा हूं, फिर आप लोगों का क्लास अच्छा लगेगा तो बताएगा। मैं रिपोर्ट राइटिंग मैंने बता चुका हूं, एडिटर के पास लेटर राइटिंग, कैसे एडिटर के पास लेटर राइटिंग लिखा जाता है, कौन से लेटर राइटिंग आएगी हमारे फाइनल एग्जाम में, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला मैं बता दूं आप लोगों का नोटिस लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले ना आपको एक बॉक्स बनाना है, जब भी आप नोटिस लिखेंगे आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर ही आपको लिखना है जो भी चीज आपको लिखना है। मान लेते हैं कि आपका कॉपी है, ये जो आपको दिख रहा है मेरा पैनल, ये आपका कॉपी है, तो कॉपी के अंदर आपको चारों तरफ आपको स्केल से लेकर, इंग्लिश का जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन आपको स्केल लेकर स्कूल जाना है, ठीक है। और यहां पे आपको इस तरह से एक आपका स्क्वायर टाइप का बना लेना है। नोटिस लिखते समय इस बात को ध्यान रखें कि 50 शब्द से, याद रखें, 50 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम उससे कम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि 50 शब्द में लिख दूं और जो क्वेश्चन में कहा गया वो मैं ना लिखूं, ऐसा नहीं है। यहां पे जो चीज कहा गया है टू द पॉइंट, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं करना है, यहां जिसे कहा जाएगा ठीक इसी तरह से आपको बेहतरीन तरीके से लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखिए, जब नोटिस लिखेंगे ना तो 3 स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लेटर राइटिंग लिखेंगे तो आपको 3 स्टेप देखा जाता है, पहला स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर फिर बॉडी फिर स्ट्रक्चर, ठीक इसी तरह से नोटिस राइटिंग में भी सबसे पहले देखा जाता है, मेरा लाल याद रखिएगा, टाइटल, क्या देखा जाता है, टाइटल, सॉरी आपका सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ABC+2 स्कूल रांची है, तो ये सबसे पहले आपको लिखना होगा, उसके बाद आती है सर टाइटल, क्या होती है टाइटल, लिखना बहुत जरूरी है। टाइटल क्या होती है कि इसमें किसके बारे में कहा गया है, जैसे इसमें बताया गया है कि फॉरबिडिंग द स्टूडेंट टू ब्रिंग मोटर बाइक, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर बाइक लाते हैं तो उसके बाइक को स्कूल, मतलब गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए ना, तो कोई भी स्टूडेंट अगर बाइक लाते हैं तो उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा, उस गाड़ी को देने वाले नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो आपको जब भी लिखना है आपको बॉक्स बनाकर लिखना है, मैं बॉक्स की तरफ नहीं लिख रहा हूं, मैं एकदम सिंपल सा वे में लिख रहा हूं, बस आपको याद रखना है जब भी आपको लिखना होगा बॉक्स बनाकर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यू आर द प्रिंसिपल, आप एक प्रिंसिपल है, कौन आप जो वीडियो देख रहे हैं आप एक क्या है, प्रिंसिपल, खैर आप स्टूडेंट है पर आपको प्रिंसिपल मान लेना है। यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ ABC+2 हाई स्कूल हो या सिंपल सा कोई +2 स्कूल रांची, आप जिस स्कूल में है उस स्कूल का नाम है क्या ABC, कोई भी आप स्कूल का नाम लिखना है आपको एग्जाम में, हाँ लेकिन अपना स्कूल का नाम नहीं लिखना है, आपको कहां पे लिखना है, यहां पे जो भी स्कूल या कॉलेज का नाम दिया रहेगा आपको उसी स्कूल या कॉलेज का नाम आपको लिखना होगा, कुछ भी आपको अलग से नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए सर, समझ में आ गया कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं और ABC+2 हाई स्कूल में मैं पढ़ाता हूं। चलिए, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोबल बोर्ड, आप स्कूल में एक बोर्ड देखिए, आप स्कूल का गेट आप इन करेंगे तो आपके देखिएगा नोटिस बोर्ड लगा रहता है, कुछ ना कुछ नोटिस प्रतिदिन मिलते रहता है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को मिलता है या नहीं पर हमारे टाइम पे ऐसा था हमारे कॉलेज पे। आगे लिखा है कि नोबल बोर्ड फॉरबिडिंग द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग मोटर बाइक इन स्कूल, मतलब इसमें बताया गया कि एक आप प्रिंसिपल है, आप एक ऐसा नोटिस जारी कीजिए जिसमें स्टूडेंट को यह बताया जाए कि स्टूडेंट अपने घर से बाइक ना लाए, अगर बाइक लाते हैं तो उसके बाइक को जब्त कर लिया जाए, क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, यह आपसे यहां पे कहा गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, आंसर हलवा हलवा में आएगा, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब लिखेंगे कैसे सर, सबसे इंपॉर्टेंट आती है, देखिए सबसे पहले, अच्छा आपको दिखेगा यानी मैं एक बार बता देता हूं,
आपको सबसे पहले मैं लाल एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाना है, तभी जाकर आप इजीली से इसको लिख सकते हैं। चलिए मैंने बॉक्स बना दिया हूं, ठीक है, दिख रहा है आपको बॉक्स। तो बॉक्स में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, ABC प्लस टू स्कूल रांची, जो भी स्कूल का नाम यहां पे होगी वह स्कूल का नाम आपको मेंशन करना होगा कैपिटल लेटर में। क्या? कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होगा नोटिस, कहां पे? एकदम बीच, कॉपी के बीच में लिखना आपको नोटिस, ठीक है। और नोटिस के तुरंत बाद आपको लिखना है यहां पे 11 जनवरी, जैसे आपको जो भी डेट होगी 11 जनवरी 2024। देखिए लेकिन एक बात याद रखिएगा, डेट से भी ना बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन होते हैं। क्या कंफ्यूजन होते हैं सर, समझिए, जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए आपको उसी दिन का डेट मेंशन करना है। जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं, मान लेते हैं कि 7 तारीख को आप लोग का एग्जाम है 7 फरवरी को, तो लिखना है 7 फरवरी 2024 आपको लिखना है, ठीक है। डेट भी लिख दिया और उसके बाद आता है सर टाइटल। क्या आता है? टाइटल। इसमें किसके बारे में कहा गया? फॉरबिडिंग टू ब्रिंग मोटर बाइक, फॉरबिडिंग टू ब्रिंग क्या गया, मोटर बाइक लाने से मना किया गया, मतलब इसका मीनिंग होता है फॉरबिडिंग टू ब्रिंग मोटर बाइक, मतलब यहां मोटर बाइक लाने से मना कर दिया गया है, ठीक है। ये प्रिंसिपल लिख रहा है आप लोगों के लिए। अब आते हैं सर अगला, हम लोग को लिखना क्या है, आप लिखेंगे सर हम लोग, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर बीइंग इन्फॉर्मेड दैट आवर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू फॉरबिड द स्टूडेंट टू ब्रिंग मोटर बाइक इन स्कूल। क्या कहा गया है? स्कूल के सभी छात्र को सूचित किया जा रहा है कि हमारे विद्यालय में प्रशासन ने विद्यार्थी को विद्यालय में मोटर लाने से मना कर दिया गया, मोटर बाइक लाने से रोक दिया गया। समझ में आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे लिखा है सर, इफ एनी स्टूडेंट टू फाउंड विद द मोटर बाइक इन स्कूल, परमिशन विल बी सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट। और जो भी स्टूडेंट लाएंगे, याद रखिए क्या होगी, यदि कोई भी छात्र विद्यालय परिसर में मोटर बाइक के साथ आता है, कोई भी स्टूडेंट अगर मोटर बाइक के साथ स्कूल आता है इस नोटिस के बाद भी, उसके साथ क्या होगी, समझिएगा, उसके साथ क्या होगा पनिशमेंट में, इट इज द इफेक्टेड फ्रॉम द इशूइंग डेट ऑफ द नोटिस। और जिस दिन से यह नोटिस लिखा गया है उस दिन से कोई भी स्टूडेंट अगर मोटर बाइक हमारे स्कूल लेकर आते हैं तो उसके लिए कहा गया है क्या, समझिएगा, पकड़ा जाए तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी स्टूडेंट अगर पकड़ा जाए बाइक लाने से तो उसका पर कार्रवाई किए जाएंगे। ये कब से लागू होगी, तो यहां पे लिख दिया गया इट इज इफेक्टेड फ्रॉम द इशूइंग डेट, इशूइंग डेट मतलब जिस दिन आपका ये नोटिस जारी कर रहा है, ऑफ द नोटिस। डाउट जल्दी से बताइए, थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है, यहां नहीं लिखना आपको, जल्दी से बताइए, डाउट नहीं है ना, अच्छा समझ में आ रहा ना जी, बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग सर इजिली से लिख लिए, क्या कर लिए सर, हम लोग इजिली से इसको हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद ये डेट आपका नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, डेट एक बार लिख चुके हैं हम लोग। और इसके बाद आप अगर स्कूल का प्रिंसिपल है तो आपको क्या नाम है, आपको लिख लेना है पीके सिन्हा प्रिंसिपल। क्या लिखना है? पीके सिन्हा प्रिंसिपल। अगर आप मान लेते पीके सिन्हा, अगर सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख देना है, अभी प्रिंसिपल है तो आपको प्रिंसिपल लिख देना है। दिख रहा ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, एक बार बताइए मेरे लाल, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, मैं पिछला अगला वीडियो में पूरा जूम करके आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने दिखा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि इसको इस दायरे पे लिखना है, ये इस स्क्वायर को जो देख रहे हैं आप लोग, इस स्क्वायर के दायरे पे आप लोगों को लिखना है। डाउट? एनी डाउट? नो डाउट ना सर। अगला क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन को अगर समझ आए ना ये सब हल्का है, लेकिन याद रखिएगा 50 शब्द से ज्यादा आपको नहीं लिखना होगा, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए लिखना है। अगला क्वेश्चन पे आते सर, यू आर नारायण, आपका नाम क्या है, आपका नाम है यू आर नारायण या नम्रत्रा, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ मारवाती प्लस टू हाई स्कूल रांची, राइट ए सुइटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेंट्स इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल। आपके स्कूल में एक पार्टिसिपेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है मेरे लाल, आपके स्कूल में एक पार्टिसिपेट किया जा रहा है, किसके बारे में, समझेगा, आपके स्कूल में कोई भी कल्चरल प्रोग्राम किया जा रहा है जहां पे आपको शास्त्रीय गीत, देखिए ना हम लोग फंक्शन हम लोग होते थे, देखिए ना कितना ऐसा स्टूडेंट है जो डांसिंग में भाग लेते हैं, कोई गीत गाने में भाग लेते हैं, देखिए आप हंस रहे हैं, आप गीत गाने में भाग लेते हैं, नहीं ना मत हंसिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, तो आपको एक नोटिस लिखना है। ये स्कूल में आप मान लेते हैं कौन है, एक सेक्रेटरी है, क्या है आप, सेक्रेटरी है, क्या है, सेक्रेटरी है आप स्कूल का,
यू आर नारायण या नमरत्रा द कल्चरल सेक्रेटरी, आप कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक है। और आपको एक नोटिस लिखना होगा, ऑल स्टूडेंट्स को बताना होगा कि फलना तारीख को एक आप लोगों के लिए कल्चरल प्रोग्राम रखा जा रहा है, जहां पे आपका शास्त्रीय नृत्य या आपका डांसिंग या आपका पेंटिंग या सिंगिंग में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। चलिए सर, आगाज करते हैं क्लास को हम लोग। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, समझिएगा सबसे। और हाँ, जो एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स लिए, सफलता कोर्स लिए हैं या फाउंडेशन कोर्स लिए, क्लास खत्म होते ही आप लोग का पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को डाउनलोड कर दिया जाएगा। आप लोग नेट नोटिस सेक्शन का फोल्डर ओपन कीजिएगा, आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले ना एक मैं आपको बना देता हूं बॉक्स। क्या बना देता हूं? बॉक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉक्स के दायरे में ही आप लोगों को लिखना होगा। आप इसका स्कूल का यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ था सर, याद रखेंगे स्कूल का जो भी नाम दिया हुआ था, सॉरी मेरे लाल, यहाँ पे देखिए याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मारवाड़ी प्लस टू हाई स्कूल रांची लिखना है। उसके बाद नोटिस जो लिखना है ना, एकदम फुल्ली कैपिटल, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। उसके बाद डेट मेंशन करना है, डेट जो है ना इसके दायरे के अंदर भी हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे डेट लिखना है, डेट तो आपको लिखना होगा बाबू, डेट आपको कंफर्म है कि आपको लिखना ही होगा, ठीक है, 5 जनवरी 2024 लिखना है। उसके बाद इस जो मैन कैरेक्टर है, इसमें टाइटल क्या बन रहा है, तो कल्चरल सोसाइटी। क्या बन रहा है? कल्चरल सोसाइटी मतलब सांस्कृतिक समाज। क्या? सांस्कृतिक समाज, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांस्कृतिक समाज। डाउट नहीं ना? अब लिखते हैं सर इसके बारे में क्या कहा गया है। थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसको हम लोग जो बड़ा कर देंगे, थोड़ा देखते हैं अगर बड़ा हो जाए। चलिए बड़ा हो गया, चलिए थैंक यू मेरे सो मच, बड़ा हो गया। अब लिख रहे द कल्चरल सोसाइटी, क्या लिख रहा है, द कल्चरल सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए म्यूजिकल इवनिंग ऑन द 3rd of the next month। कौन सा तारीख को? 3 तारीख को। समझिए, हमारे स्कूल की कल्चरल सोसाइटी जा रही है। कौन कह रहे हैं? हमारे सेक्रेटरी कह रहे हैं, हमारे स्कूल के कल्चरल सोसाइटी 3 तारीख को मतलब अगले महीना को जा रही है एक संगीत संध्या आयोजन। शाम के समय, इवनिंग के समय एक आयोजन किया जा रहा है, वहां पे हम लोग सब जाएंगे अगला महीना में। कौन सा तारीख? 3 तारीख को। आगे लिखा गया है सर, द प्रोग्राम विल बी इंक्लूडेड लाइट एंड क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस। क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय गीत। क्या? शास्त्रीय गीत और नृत्य किया जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज काइंडली कंसेंटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन। और जो हमारे शिक्षा मंत्री है, हमारे शिक्षा मंत्री श्रद्धा पूर्वक सहमति दे रहे हैं, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हमें सहमत दे रहे हैं, हमारे स्कूल को सहमत दे रहे हैं कि आप लोग जाइए, अपना जो भी आपके अंदर में हुनर है वहां पे जाकर दिखाइए। मैं दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग आगे जाइए और आप लोग अच्छा सा मार्क्स प्रदर्शन करके आप लोग अच्छा मार्क्स लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए। कौन कह रहा है? एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। आगे लिख रहा है सर, द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द कल्चरल एक्टिविटीज शुड कॉन्टेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। आपसे पूछा गया है ना कि हमारे जो स्टूडेंट्स है वह क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधि में रुचि होना चाहिए, लेकिन हाँ जा रहे, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी को संस्कृति कल्चरल प्रोग्राम में रुचि होना बहुत जरूरी है, ये कहा गया है हमारे, याद रखिएगा इस नोटिस में जो आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। नोटिस कैसा भी आए मेरे लाल, आप लोगों का सिर्फ लिखने का स्ट्रक्चर, पहला ये स्ट्रक्चर ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, इसको बॉडी, फिर स्ट्रक्चर, इसको आपको ध्यान पर रख कर ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर, अब हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद लिखना है नारायण या नवरात्रा, जैसे आपके यहाँ पे नाम दिया होगा वो लिख लेना है। अब कौन है आप? कल्चरल सोसाइटी है, याद रखना है। क्या है आप? कल्चरल सोसाइटी है, याद रखिएगा, सांस्कृतिक समाज, कल्चरल सोसाइटी। इसमें आप लोगों को सेक्रेटरी है, सॉरी सेक्रेटरी सदस्य है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ये आपको इस तरह से लिखेंगे, पहले मिलता था 5 मार्क्स, ये बार जैकबोर्ड दे रहा है आपको 3 मार्क्स। जो CBSE पैटर्न जो थे उन्होंने, उनका भी एग्जाम में 3 मार्क्स पहले दिया करता था, पर आप लोगों का भी अब एग्जाम पैटर्न जो है ना पूरा चेंज करके CBSE पैटर्न डाल दिया है, तो आपको इस तरह से लिखना है। चलिए, आशा करते हैं मेरे लाल कि मेरे टूटी फूटी भाषाओं का आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा टेंशन मत लीजिएगा, और बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा, बस पेशेंस बनाकर रखिएगा। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़, आप एक प्रिंसिपल है कहां के? कस्तूरबा कॉलेज का, ठीक है। यूज ऑफ सेल फोन इन द कॉलेज कैंपस हैज बीन डिस्टर्बिंग टीचिंग एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। और आपके कॉलेज में ना बच्चे चोरी चुपके से मोबाइल लेकर बात करते हैं, मोबाइल से गेम खेलते हैं, मोबाइल से कुछ यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको मना करना है कि राइट ए नोटिस बैनिंग द यूज ऑफ सेल फोन बाय द
बाय द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस। आप कॉलेज कैंपस के अंदर में कभी भी आप मोबाइल सेलफोन नहीं लेकर आना है आप लोगों को। अगर आप लोग सेलफोन लाते हैं तो फिर आप लोगों का कार्रवाई आपके ऊपर किए जाएंगे। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आप स्कूल का प्रिंसिपल है, कौन सा स्कूल का? वो कॉलेज का, कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़ का। और आपको मना करना है, हर एक स्टूडेंट को कहना है, आप लोगों को एक नोटिस बनाना है कि जो भी स्टूडेंट आप सेलफोन मोबाइल लेकर आएंगे कॉलेज कैंपस के दायरे पे, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। डाउट? चलिए सर, अब हम लोगों को लिखना कैसे है समझिएगा। सबसे पहले एक होना चाहिए सर, हम लोगों का क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले हम लोगों का एक बॉक्स होना चाहिए। क्या? एक सबसे पहले हम लोगों का एक बॉक्स होना चाहिए। इस बॉक्स के दायरे में ही हम लोगों को लिखना है, इस बॉक्स के दायरे पे ही हम लोगों को लिखना है। क्या लिखना है सर, समझिए। सबसे पहले कि कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़ लिखना है। पहले कॉलेज का नाम मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को, ये कॉलेज का नाम पहले आप लोगों को लिखना है। ठीक है, समझिएगा, कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़। उसके बाद नोटिस लिखना है, उसके बाद डेट आपको मेंशन करना है। देखिए यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ फिफ्थ है तो आपको फिफ्थ लिखना होगा। ठीक है, TH। ठीक है, उसके बाद लिखना है बैनिंग द यूज ऑफ सेलफोन। क्या है? बैनिंग द यूज ऑफ सेलफोन, यानी सेलफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। क्या? सेलफोन के उपयोग पे प्रतिबंध लगाना, मोबाइल के उपयोग में प्रतिबंध लगाना। कहाँ पे? तो कॉलेज के कैंपस में। कहाँ मेरे लाल? कॉलेज के कैंपस में। याद रखिएगा, क्या क्या मेरे लाल? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कि मोबाइल को ले आना कॉलेज के कैंपस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले लिख लिए सर। अब आते हैं सर स्ट्रक्चर पे हम लोग। स्ट्रक्चर पे क्या लिखना है सर? दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सेल फोन बाय द स्टूडेंट इन द कॉलेज कैंपस विद इमीडिएटली इफेक्ट। क्या कहा, समझ में आया? फिर से, This is for the information to the students. सभी students को इस कॉलेज के छात्र के लिए यह जानकारी कि कॉलेज के प्रशासन के तत्काल प्रभाव से कॉलेज परिसर में छात्रों द्वारा सेल फोन लाने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। डाउट? प्रतिबंध लगाया जा रहा है, बैन मतलब प्रतिबंध होता है। इफ एनी इज फाउंड यूजिंग ए सेल फोन इन द कैंपस, और कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई स्टूडेंट्स सेल फोन कॉलेज के कैंपस पर नहीं लाएंगे। आगे लिख रहा है सर, द सेट विल बी सजाइड एंड ए फाइन ऑफ ₹500 विल बी चार्ज। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सेल फोन लेकर स्कूल कैंपस पे कॉलेज कैंपस के अंतर्गत आते हैं और वो पकड़ा जाते हैं तो उनको 500 का जुर्माना देना होगा। क्या? 500 का जुर्माना देना होगा और मोबाइल को भी जब्त कर लिया जाएगा। क्या? मोबाइल को भी जो है पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा। यह है आप लोगों का क्वेश्चन। पहले स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। अब किसके बारे में कहा गया था सर? तो बताएंगे सर, प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल कस्तूरबा कॉलेज रामगढ़। इस तरह से आपको बेहतरीन ढंग से आप लोगों को लिखना होगा नोटिस, तब जाकर मिलेगा आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स। डाउट है तो एक बार जल्दी से बताएं कि सर हम लोगों को डाउट हो रहा है, या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बता दीजिए एक बार जल्दी से। कोई भी डाउट, जहां तक मुझे लगता है मेरे लाल कि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हो सके कि आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं जूम कर सकता हूँ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए इतना बेहतरीन तरीके से, जहां तक मुझे लगता है कि मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया हूँ। क्लास अच्छा लगा है तो बताइएगा। मैं आप लोगों को ना, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एडिटर के पास लेटर राइटिंग लेकर आऊंगा। और इस तरह से अभी तो मैं 3 आप लोगों को नोटिस बताया हूं ना, और भी नोटिस में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार आप लोग बताइए सर हम लोगों को क्लास अच्छा लगा है, और हम लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और ये क्लास जो है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है सिर्फ कॉमर्स और साइंस के लिए और कॉमर्स आर्ट्स के लिए है, सभी के लिए है। ओनली फॉर वन स्ट्रीम के लिए नहीं, ऑल स्ट्रीम के लिए आपका बेहतरीन तरीके से आप नोटिस राइटिंग इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आर्टिकल के भी मैंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था कि आपका जो मॉडल पेपर में जारी किया गया था उसके रिगार्डिंग तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, और मेरे तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट होगी किसके रिगार्डिंग तो आप लोगों का बता दूं सर, आपका आर्टिकल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा। बस आप लोगों का समर्थन होना चाहिए, समर्थन होगी तभी मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नया वीडियो।